प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर सम्मिलित होने मंगलवार को आएंगे सीएम योगी। मंगलवार को है युग दृष्टा महंत दिग्विजयनाथ की पुण्य स्मृति। शाम को श्री राम कथा के समापन समारोह में भी होंगे शामिल। बुधवार को आयोजित होगा महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह। 11वीं पर हिंदू पक्ष में आए फैसले को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम के साथ महानगर में किया फ्लैग मार्च। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया अपील। प्रदेश स्तरीय माफिया सुधीर सिंह की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर गीडा थाने के पुलिस व तहसील बास गांव की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। 2 करोड़ की जमीन बैंक के खाते में जमा 10,20,942.30 रुपया को कराया गया सीज। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। जनपद में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों का किया जाएगा जांच। टीमें की गई हैं गठित। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक संगोष्ठी में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास ने कहा, गो सेवा के बिना भारतीय संस्कृति की नहीं है पूर्णता। गो रक्षा व गो सेवा के क्षेत्र में गोरक्षपीठ का योगदान अनिर्वचनीय। जनपद में लगातार अपराध में शामिल रहने वाले जनपद के 6 थानों के अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। भारत सरकार के डेलीगेशन समिति के साथ विदेश दौरे से वापस लौटे सदर सांसद रवि किशन मीडिया से हुए रूबरू। कहा, विदेशों में भी बढ़ा है भारत का मान सम्मान, वहां पर रह रहे लोग भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं गौरवान्वित। चौरी चौरा व उर्वा बाजार थाने के फरार चल रहे अपराधियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुरस्कार किया घोषित। एसएसपी ने दी जानकारी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को बनाया गया राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता की बैठक में सभी को दिलाया टीवी उन्मूलन के लिए शपथ। कहा, वादा है कि 2025 तक टीवी रोग से मुक्त हो जाएगा भारत। चौबीस घंटे के अंदर 3 मोबाइल लुटेरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का एक एप्पल मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे 7 दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 6वें दिन कथा व्यास ने कहा, गोरक्षपीठ की एक और विशेषता है कि यहां गो सेवा तथा गोरक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक किया जाता है क्रियान्वित। जब सदर सांसद रवि किशन शुक्ला बने ट्रैफिक कंट्रोलर, महानगर के लोगों को आईटीएमएस के सिस्टम से ट्रैफिक के नियमों के प्रति किया जागरूक। कहा, त्रिनेत्र कैमरे की नजर में रखा गया है पूरे गोरखपुर को, पकड़े जाएंगे क्रिमिनल, खत्म होगा क्राइम। लूट की मोबाइल के साथ एक साथी अभियुक्त राहुल सोनकर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के कार्यशाला का आयोजन कर भारत स्काउट गाइड के बारे में दी गई जानकारी। कहा, विद्यालयों में जाकर बच्चों को स्काउट गाइड के नियमों के बारे में बताएंगे शिक्षक, ताकि देश में तैयार हो सके अच्छे नागरिक। और फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 5वें दिन यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।